जी अंकुश शर्मा फ्रॉम ट्रेवलर टेडी चैनल और अभी मैं हूँ माइथन डैम। झारखंड में ये स्थित है, धनबाद से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर ये माइथन डैम है जो कि 1950s में बनाया गया था टीबीसी प्रोजेक्ट के द्वारा। यहाँ पे बाढ़ को रोकने के लिए फ्लड के कारण यहाँ पे बनाया गया था। और अभी यहाँ से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, जो मेन डैम है वहाँ पे जो टीबीसी प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया था उसको विजिट करेंगे। माइथन डैम झारखंड राज्य में धनबाद से 48 किलोमीटर दूर माइथन में स्थित है। यह 15,712 फीट लंबा और 165 फीट ऊंचा है। यह बांध विशेष रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था और 60,000 किलोवाट बिजली पैदा करता है। एक भूमिगत बिजली स्टेशन है। ১৯৪২ में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दामोदर घाटी क्षेत्र में बाढ़ आई जिसने 10 सप्ताह के अवधि में कलकत्ता को देश के बाकी हिस्सों से काट दिया। जल्द ही सरकार ने कार्रवाई शुरू की और टेनेसी वैली अथॉरिटी TVA के एक सिविल इंजीनियर श्री WL ऑर्ड को बुलाया। उन्होंने 1945 तक बांधों की योजना तैयार की। अंत में स्वतंत्र भारत का पहला बांध 7 जुलाई 1953 को तिलैया में आया। जल्द ही कोनार, मैथन और पंचेट डैम ने 1955, 1957 और 1959 में अपने कदमों का अनुसरण किया। एक अन्य सुंदरता मैथन झील के बीच में स्थित चम्मच द्वीप निश्चित रूप से एक जगह है जिसे आपको धनबाद में शांति और शांति का सार महसूस करने के लिए यात्रा करनी चाहिए। एक उल्टे चम्मच के आकार से मिलता जुलता यह छोटा सा सुरम्य द्वीप निश्चित रूप से अनुभव करने वाला है। ये जो आप सीन देख रहे हैं मेरे पीछे ये डैम का सीन है। यहाँ पे बोटिंग के लिए मैं बात करूंगा यहाँ पे जो भैया है इनसे, ये क्या प्राइस है, क्या सेफ्टी से प्रोवाइड करते हैं बोटिंग के लिए माइथन डैम में, तो आइए इनसे बात करते हैं। आप बताइए यहाँ पे बोटिंग का क्या प्राइस है और सेफ्टी क्या क्या देते हैं? यहाँ पर स्पीड बोट का 6 सीटर का रेट है 600, 8 सीटर स्पीड बोट का है 800 और कंट्री बोट नाव जो हो गया उसका 300 रुपया रेट है। छोटा टापू का चम्मच पहाड़ का 400 है और चम्मच पहाड़ राउंड का 800 रुपया है, जिसमें एक नाव में 6 व्यक्ति तक बैठ सकते हैं। सेफ्टी के लिए हमारे पास लाइफ जैकेट है, बिना लाइफ जैकेट पहना के हम स्पीड बोट का सफर नहीं करवा सकते। दिले दिले आगे। मजा आ गया। लेकिन यहाँ का जो सच बताऊँ आपको, बोटिंग का जो एक्सपीरियंस था माय गॉड बहुत ही लाजवाब था। आप यहाँ आए तो जरूर ट्राई कीजिए, इसे ट्राई किए बिना यहाँ से वापस ना जाए क्योंकि बहुत ही शानदार चीज आप मिस कर, इसलिए जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। आपको रेट फेयर जो है यहाँ का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
लेके चलता हूँ एक फेमस स्ट्रीट पे, जहाँ पे आपको ऐसी पकौड़ियाँ मिलेगी जो आपने कहीं नहीं खाई होंगी, मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं खाई होंगी। तो यहाँ आए तो ये चीज जरूर ट्राई करें, यहाँ की पकौड़ी और चटनी लाजवाब होती है। এখন লকডাউন ছিল এতদিন থেকে, এখন জামা কাপড় কিনতে পারবো, পয়সা কোথায়? খাওয়া দাওয়াতেই আমাদের কষ্ট। কি হয় বল দা, আমরা তো বড় লোক না যে প্রত্যেক বছর নতুন নতুন ড্রেস কিনা। এই জায়গাটার নাম কি হয়ে গিয়া? এই মাইথন ড্যাম মজুমদার নিবাস। মজুমদার নিবাস, আচ্ছা। বোট ঘাট হয় নিচে, উপর মে হাম লোক কা দোকান হ্যায়, আর সাইড মে মজুমদার নিবাস হ্যায়। আচ্ছা, ইয়াহ কব সে আপ লোক মতলব ইয়ে কাম কর রহে হ্যায়? হাম লোক কা তো এই দোকান বহুত দিন হো গিয়া, 1972 সাল সে হ্যায়। আমারাই হো গিয়া আপকা 47-48 সাল হো গিয়া দোকান। 50 সাল লগভগ দোকান কা হো চুকা হ্যায়। দোকানদার কিতনা দিন সে হ্যায়। गर्म गर्म पकौड़े आ चुके हैं और चलिए ट्राई किया जाए कैसा है। गर्म गर्म पकौड़े करारे, उसके साथ हरी मिर्ची वाली चटनी। यहाँ की चटनी लाजवाब है। मौजुंदर निवास, यहाँ ये गली का नाम है। यहाँ पे आए तो जरूर इस जगह पे आके पकौड़े और चटनी और आलू चॉप, ये सब कुछ मिलता है, जरूर ट्राई करें। पकौड़े के बाद चाय, यार खतरनाक कॉम्बिनेशन, मजा आ गया। यहाँ पे आए तो पकौड़े और चाय को बिल्कुल भी मिस ना करें, और खास करके अगर आप कल्याणेश्वरी मंदिर जा रहे तो ये रास्ते में ही पड़ता है आपको बॉर्डर के बाद ही, और ये एरिया आपका बंगाल में आ गया। ये जो जगह है यही है मजुंदर निवास। अगर आप यहाँ पे आए तो ऊपर में ही जो आपको मैंने दिखाया गली है, जो एक रास्ता है, यहीं पे पकौड़े और चाय बहुत मस्त मिलते हैं, बहुत ही अच्छी। वो हो गया आपका गेट, जो डैम का गेट है, तो देख सकते हैं आप सीधे। और अभी हम लोगों ने बोटिंग किया था इधर से ही, ये गेस्ट हाउस है। अच्छा, जी ये बंद है, जब कोविड खत्म हो जाएगा। अच्छा, डीबीसी वालों के लिए। अच्छा, डीबीसी वालों के लिए ये खास। वो गेस्ट हाउस कोई मतलब खास मेंबर रह सकता है या किसी के लिए भी है? अन पर्सन के लिए, डीबीसी वालों के लिए, पर्सनली वो लोग के लिए। ये कल्याणेश्वरी मंदिर के पास आ चुके हैं, अभी हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर का सीन देखते हैं क्या है। कल्याणेश्वरी मंदिर धनबाद जिले में सबसे अधिक देखे जाने वाले और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है।
यह देवी कल्याणेश्वरी को समर्पित है और इसीलिए यह कई निसंतान महिलाओं द्वारा दौरा किया जाता है जो अपने बच्चे को पाने की प्रार्थना के साथ यहाँ आते हैं। किंवदंतियों के अनुसार यह कहा जाता है कि मंदिर 500 साल पुराना है और मानव बलि अतीत में देवी कल्याणेश्वरी की पूजा के एक भाग के रूप में की गई थी। बराकर नदी के तट पर स्थित होने के कारण कल्याणेश्वरी मंदिर का परिवेश अपने आगंतुकों को एक सुखदायक और मिश्रित वातावरण प्रदान करता है। तो आप इस सप्ताह के अंत में कल्याणेश्वरी मंदिर जाने के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी पंडित जी से जानते हैं कि माता रानी के बारे में, मंदिर के बारे में, कल्याणेश्वरी माता के मंदिर के बारे में। बाबा जी बताइए थोड़ा। ये मंदिर सेन राजा था जो था गोर का, उसका अमल का मंदिर है। ये 1430 युद्ध में तैयार हुआ था। राजा जब बख्तियार खिलजी जो दिल्ली का जो सुल्तान था, जो गोर आक्रमण किया था, तब राजा लक्ष्मण से माँ को लेकर यहाँ पर छिपा हुआ था। उसका बाद यहाँ से लक्ष्मण चंद चला गया बांग्लादेश और वहां को यहाँ पर जो यहाँ का सामंत राजा था काशीपुर का, उसका अधीन में देके गया। तब से काशीपुर का राजा लोग ये माँ को सेवा में रहता है और सेवा का काम करता है। हम लोग वंश परंपरा में इस माँ को सेवा को हम लोग ब्राह्मण लोग दायित्व मिलता है और हम लोग ये काम करते चलाता है। धन्यवाद पंडित जी। और यहाँ पे मतलब ये जागरूक माता का एकदम आप लोग भी माता है शक्ति का बहुत बड़ा पीठ है ये जी। बहुत आदमी यहाँ पर माँ का शक्ति आराधना करके सिद्धि लाभ किया है। इसमें देवनाथ है, शिव चैतन्य बाबा है, यहाँ पर सिद्धि लाभ किया है। शक्ति पीठ इसको एक तारापीठ शक्ति पीठ है, ये एक शक्ति पीठ है। तो अभी हम लोगों ने जैसा बात किया, अब जैसा कि ये जो कल्याणेश्वरी मंदिर है इनकी बहुत बड़ा मान्यता है, लोग यहाँ पे आके सच्चे मन से जो भी मांगते हैं जरूर पूरा होता है। और जैसा कि बोला गया, पंडित जी बताया है ये शक्ति पीठ है। ये जो आप प्रांगण मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे शादी पूजा पाठ ये सब कार्यक्रम यहाँ पे चलता है। त्योहारों के दिन में पूजा पाठ का तरह तरह का कार्यक्रम रखा जाता है यहाँ पे। और छोटा सा धर्मशाला स्थित है जहाँ पे शादी विवाह और अन्य कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं। तो बात कर लेता हूँ कि माइथन डैम पहुँचा कैसे जाए। अगर आप आउट ऑफ झारखंड है तो आप पहले रांची रेलवे स्टेशन और रांची एयरपोर्ट आ सकते हैं। वहाँ से आप बस और टैक्सी से और बाय ट्रेन आप धनबाद रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं। धनबाद बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से आपको यहाँ से डायरेक्ट माइथन के लिए टैक्सी, ऑटो, बाकी सुविधाएँ मिल जाएंगी। आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। आपको माइथन डैम के पास ही लॉज, होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। 600-700 रुपये पर नाइट के हिसाब से मिल जाएगा। और डेली का आपका जो खाने का कॉस्ट आएगा वो लगभग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को लेके पर पर्सन का 500 रुपया तक खर्चा आएगा। माइथन सिर्फ घूमने में, अगर आप कन्वीनियंस को छोड़ दें तो आपको माइथन घूमने के लिए पर पर्सन 800 रुपये काफ़ी है। वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं अंकुश शर्मा, ट्रैवल एजेंसी से। जय हिंद, जय भारत।